मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं का पार्टी से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता अलमास सलीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज की उपेक्षा की है और सिर्फ वोट बैंक समझा है, ये बहुत चिंताजनक है। कमलनाथ के करीबी रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहम्मद सलीम के बेटे अलमास सलीम ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। कांग्रेस स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी अलमास सलीम ने पद के साथ पार्टी से भी त्याग पत्र दे दिया है। अलमास सलीम ने पार्टी के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नेता मुस्लिम वोट के लिए तुष्टिकरण की राजनीति और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमारा परिवार 40 साल से कांग्रेस पार्टी में रहकर जनता की सेवा कर रहा है, लेकिन पार्टी के साथ साथ बड़े नेताओं ने मेरे साथ और कार्यकर्ताओं के साथ काफी उपेक्षा की है। अलमास सलीम का कहना है कि मौजूदा समय में पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों के रवैये से उनका मोह भंग हो गया है। इशारे इशारों में उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर भी हमला बोला है। सबसे पहले तो मुसलमानों की उपेक्षा, महिलाओं की उपेक्षा, युवाओं के साथ जो जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है, देखिए युवाओं को रिप्रेजेंटेशन देना, उन्हें किसी पद पे बिठाना, भाई मुझे भी बुलाया था, मैं भी कांग्रेस वॉर रूम का को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन बुलाकर क्या वो जैसा सम्मान देना चाहिए, जो उन्हें काम करने की स्पेस देनी चाहिए, क्या वो कांग्रेस पार्टी दे रही है? जो आइडियाज हैं जो जनता की सेवा के लिए दिए गए थे, उन आइडियाज को लिया ही नहीं जा रहा। कांग्रेस पार्टी में अलग ही तरह का तुगलकी फरमान चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई तानाशाह आके बैठ गया है जो सिर्फ वही कर रहा है जो उसके दिल में आ रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी एक सलाह और मशवरे से चलती है। जब कई सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, अपने मशवरे रखते हैं, अपने सजेशन रखते हैं, तभी पार्टी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का हाल हो गए हैं, ये बहुत ही निराशाजनक है। किसी की भी सुनी नहीं जा रही है, अपमान किया जा रहा है लोगों का, बदतमीजी की जा रही है उनके साथ। तो यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी से आप देख रहे हैं दखल न्यूज।